हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर आई हूँ किचन में नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक कप चाय पी थी। तो अभी मेरा जो सारा काम है वो कम्प्लीट हो गया है, तो मैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आई हूँ। और हिमाद स्कूल से आ गए हैं और मैं यहाँ पर हिमाद को भी थोड़ा कुछ खाने के लिए दे रही हूँ। हिमाद को जैम और ब्रेड खाना था, तो मैं वही हिमाद को जैम और ब्रेड लगा कर दे रही हूँ। और हिमाद की और हिमाद के मामू की यहाँ पर मस्ती चल रही है। तो चलिए, आज मैंने नाश्ते में कुछ बनाया नहीं है अपने लिए, मैंने सिर्फ ब्रेड ले लिया है क्योंकि गैस ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैंने ब्रेड मंगाया था। आपको जैम अच्छा लगता है? हाँ, दाम अच्छा लगती है। पसंद है आपको जैम? हाँ, दाम। अच्छा। चलो। गैस मेरा सुबह में ही ख़त्म हुआ है और हिमाद के पापा जा चुके थे तब मेरा गैस ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह परसों को आएगा, क्योंकि कल तो नहीं आएगा। कल 15 अगस्त है तो हॉलीडे रहेगा, तो कल नहीं मिलेगा। कल का एक दिन मुझे इंडक्शन पर ही मैनेज करना पड़ेगा। सारी चीज़ें तो इंडक्शन पर बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा रोटी बनाने में मुझे प्रॉब्लम होती है। रोटी अच्छे से नहीं बनती है, सिकती नहीं है अच्छे से, कच्ची रह जाती है। तो ये देखिए, मैंने ले लिया है यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस एंड शोरबा। कल मैंने शोरबा बनाया था, इसको मैंने और थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा सा पतला कर लिया है, क्योंकि ब्रेड के साथ थोड़ा पतला रहेगा ग्रेवी तो ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ नाश्ता, आइए नाश्ता करने के लिए। और हिमाद को मैंने ब्रेड और जैम दे दिया है, लेकिन हिमाद की यहाँ पर मस्ती चल रही है। हिमाद को ना कुछ खाना नहीं होता है, बस वो खाने की एक्टिंग करते रहते हैं। मैंने इनको 2 ब्रेड के स्लाइसेस दिए थे, उसमें भी हिमाद ने एक बचा कर रखा है, सिर्फ एक ब्रेड का स्लाइस उन्होंने खा लिया था। ये देखिए, मुझे बोल रहे हैं कि आप मुझे खाकर बताओ कैसे खाते हैं। बच्चों का ऐसे ही होता है, बहुत मना कर बहला फुसला कर उनको खिलाना पड़ता है। तो चलिए, मैं खाना खा लेती हूँ, सॉरी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ एक कप चाय पी है, तो अभी चाय पीना तो बनता है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे। तो चाय मेरी बन गई है, चाय को मैं छान लेती हूँ। तो चलिए, जब तक मैं चाय पी लेती हूँ, आप टूटी फ्रूटी की रेसिपी देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कब ये टूटी फ्रूटी की रेसिपी बनाई थी और मैं अभी इसको क्यों शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, मैं पी लेती हूँ चाय, तब तक आप टूटी फ्रूटी की रेसिपी देख लीजिए और सीख लीजिए कि किस तरह से बनाते हैं। और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक बहुत मैटर करता है मेरे लिए, बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं है तो, कि टूटी फ्रूटी बनती किससे है। टूटी फ्रूटी बनती है कच्चे पपीते से, बिल्कुल कच्चा पपीता होना चाहिए, बिल्कुल भी पका हुआ कहीं से भी नहीं होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर 1 kg कच्चा पपीता लिया है, मैं इसको पूरा इस्तेमाल नहीं करूँगी, आधा मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी और आधा मैं रख दूँगी। तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे और इसके सीड्स को हम अलग कर देंगे, उसके बाद हम इसको काट कर बारीक बारीक टुकड़े बना लेंगे। आप वीडियो में देखिएगा कि मैं किस तरह से बारीक बारीक इसके टुकड़े बनाती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर अलग कर दिया है सीड्स, और ये देखिए, मैंने सबसे पहले इनको इक्वल साइज़ में काट दिया है, ताकि मुझे बारीक बारीक टुकड़े करने में आसानी हो। और जितनी आपको टूटी फ्रूटी पसंद है, आप उतने साइज़ में इसको रख सकते हो, सॉरी उतने साइज़ में आप उसको रख सकते हो। और मैंने यहाँ पर इस तरह से मीडियम साइज़ में इसको काटा है, जो नॉर्मल टूटी फ्रूटी आती है वही साइज़ मैंने इसको दिया है।
थोड़ा सा बड़ा ही काटेंगे क्योंकि ये पानी में जाने के बाद और थोड़े सिकुड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ इसमें रखा है। और मैंने यहाँ पर 3 गिलास के करीब पानी बॉईल करने के लिए रखा है, सिर्फ पानी रखना है हमें बॉईल करने के लिए। और जब पानी बॉईल हो जाएगा हम यहाँ पर कटे हुए पपीते को ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें फिर से हम जोश आने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा हम फ्लेम को मीडियम पर करके 6 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे ढक करके उसको। उसके बाद इसका सारा पानी हम ड्रेन कर लेंगे, एक छन्नी में हम इसको छान कर अलग कर देंगे। ये देखिए इसमें बॉईल आ रहा है। अब मैं इसको कवर कर कर पकाऊँगी 4 से 5 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट पकाना है। उसके बाद हम इसके पानी को निकाल कर इसको साइड में रख लेंगे। और मैंने यहाँ पर वो पानी फेंक दिया है, दूसरा पानी मैंने लिया है। यहाँ पर 2 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है, उसमें मैंने 1.5 कप शक्कर ऐड कर दिया है। शक्कर ऐड करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे पानी को, ताकि जो शुगर सिरप है वो अच्छे से पक जाए और अच्छा गाढ़ा शुगर सिरप बने। उसके बाद हम इसको जो पपीता हमारा पका हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको फिर से पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए अभी जो पपीता है वो सिकुड़ रहा है, तो मैंने इसका गैस बंद कर दिया है। और हम इसको निकाल लेंगे अलग अलग बाउल्स में, जो जो हमें फ्लेवर देना है, जो जो हमें कलर देना है, हम उसको अलग अलग बाउल्स में निकाल लेंगे। जितने भी हमको फ्लेवर देना है उतने हम बाउल्स बना सकते हैं। विथ शुगर सिरप हम इसको निकालेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पर 5 बाउल्स में ले लिया है। अब मैं इन सब में अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग कलर दूँगी, क्योंकि जो टूटी फ्रूटी होती है वो बहुत ही रंगीन कलर की होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर दे रही हूँ ग्रीन कलर। कलर हमें अच्छा खासा ऐड करना है। और मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल एसेंस डाला है इसमें। मेरे पास सिर्फ 3 एसेंस है, एक वेनिला एसेंस, पाइनएप्पल एंड मैंगो। और सेकंड में मैंने डाला है येल्लो फूड कलर और थर्ड में जाएगा ऑरेंज फूड कलर। एंड इन दोनों में मैं डालूँगी मैंगो एसेंस, तो इससे अच्छा टेस्ट आएगा दोनों के लिए, दोनों टूटी फ्रूटी के लिए। और जो बचा हुआ बॉल है उसमें मैंने येलो फूड कलर डाल दिया है। अब हम इसको कवर करके 24 आवर्स के लिए ऐसे ही हम इसको रहने देंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हम क्या करते हैं। ये देखिए 24 आवर्स के बाद ये जो टूटी फ्रूटी है उन्होंने अच्छा खासा पानी सोख लिया है और कलर भी इनका अच्छा खासा इन पर आ गया है। 24 आवर्स के लिए हम लोग इसको इसलिए शुगर सिरप में डालकर रखते हैं ताकि ये मीठे हो जाए और कलर ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेनर में डाल दिया है और जो भी शुगर सिरप बचता है उसको हम शरबत के लिए यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा इसका पानी ड्रेन हो जाएगा तो मैं इसको सूखने के लिए रख दूँगी। और मैंने यहाँ पर इस तरह से टिश्यू पेपर पर इसको सूखने के लिए डाल दिया है। बस हमें इसको सूखने देना है 3 से 4 घंटे, उसके बाद हमारी टूटी फ्रूटी रेडी हो जाएगी। ये देखिए 3 से 4 घंटे पैन के नीचे, अच्छा पंखे के नीचे हमको सुखाना है, तो हमारी जो टूटी फ्रूटी है वो इस तरह से रेडी हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर टूटी फ्रूटी रेडी हो गई है। ये देखिए बहुत ही रंग बिरंगे कलर में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। तो आज है वेडनेसडे यानी कि चारशुंबा, और मैंने अपना व्लॉग आज स्टार्ट किया है 12 बजे से। 12 बज रहे हैं और खाना वगैरह मेरा हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा काम करने के लिए। काम तो जो मेरा बेसिक था वो सारा कम्प्लीट हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ फ्रिज का कवर सीने के लिए, क्योंकि मैंने कवर रेडीमेड नहीं लिया है। ये मेरे पास कपड़ा है, इसका मैं कवर सीऊँगी। मैंने ऑनलाइन देखा था कवर्स फ्रिज के और माइक्रोवेव के, लेकिन मुझे उतने पसंद नहीं आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर में ही बना लेती हूँ। और ये वाला जो क्लोथ है ये फैब्रिक बहुत अच्छा है और ये मैं गांव से लेकर आई थी मेरे मम्मी के पास से। और ये देखिए बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसका बनाती हूँ तो बहुत अच्छा लुक आएगा। और मैंने माइक्रोवेव के ऊपर भी इसका ही एक क्लोथ रख दिया है माइक्रोवेव के ऊपर, तो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रिज का भी कवर बना लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी मैं, सिंपल मैं इसको स्टिच कर दूँगी और साइड से मैं इसको थोड़े से पॉकेट लगा दूँगी। और मैं इसमें कोई लेस वगैरह नहीं लगाऊँगी पॉकेट के वहाँ पर, क्योंकि हम इसको कभी निकाल कर धोते हैं तो वो लेस ख़राब हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं इसको जितना हो सके उतना सिंपल ही रखूँगी। वैसे भी क्लोथ अच्छा है तो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए
बना लेते हैं फ्रिज का कवर। और आज मैंने जो टूटी फ्रूटी की रेसिपी शेयर की है वो मैंने बनाया था 1 साल पहले, लेकिन मैंने उसको शेयर नहीं किया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी मेरी फैमिली में, जिसकी वजह से मैंने उसको शेयर नहीं किया था। मैंने स्टार्टिंग में एक चैनल खोला था जो एक कुकिंग चैनल था, जिसको मैंने अभी बंद नहीं किया है, लेकिन मैं उस पर वीडियोस नहीं डालती हूँ क्योंकि उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है और व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं उस पर। तो और मैंने सिर्फ उसके ऊपर 1 महीना काम किया था, उसके बाद मैंने वैसे भी काम बंद कर दिया था उसके ऊपर, मैंने कोई वीडियोस नहीं डाले थे। तो मैंने उसमें कुछ 30 वीडियोस डाले हैं, उसके बाद मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिया था क्योंकि अचानक जो है मेरे सास का इंतकाल हो गया था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें। तो उसके बाद से मैंने उस पर वीडियोस डालना बंद कर दिया था क्योंकि मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ खाना बनाऊँ या फिर वीडियोस वगैरह डालूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने के बाद, स्टेबल होने के बाद मैंने अपना ये ब्लॉगिंग वाला चैनल स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं डाला था। तो मैंने 1 साल पहले भी ये सोचकर बनाया था कि जब 15 अगस्त आएगा तो मैं अपना वीडियो डालूँगी, लेकिन जैसे हम सोचते हैं वैसे होता नहीं है, कुछ का कुछ ही हो जाता है। तो देखिए वक्त कैसे बदलता है। मैंने लास्ट ईयर सोचा था कि मैं 15 अगस्त पर ये अपना वीडियो डालूंगी, लेकिन मैं पूरे 1 साल के बाद ये वीडियो डाल रही हूँ। अगर मैं चाहती तो उसको जनवरी में भी डाल सकती थी, 26 जनवरी को, लेकिन मेरा दिल ही नहीं था कि मैं कुछ डालूँ, कुछ बनाऊँ और कुछ अपने चैनल पर काम करूँ, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो आज मैंने सोचा कि कल 15 अगस्त है तो मैं अपने इस चैनल पर उस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको टूटी फ्रूटी कैसी लगी। चलो तो फिर मैं आपको बता रही थी कि मैं फ्रिज का कवर सीने जा रही हूँ, तो चलिए कवर स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जो फैब्रिक है ये प्लास्टिक का है, पता नहीं कौन सा फैब्रिक बोलते हैं इसको, ये प्लास्टिक का है। तो मैं इसे पहले लेवल कर लूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं से ज़्यादा है तो कहीं से कम है, तो वही मैं यहाँ पर नाप ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसको मार्क करके कट करके स्टिच कर लूँगी। वैसे कोई हार्ड काम नहीं है, ये बहुत ही इजी है। जैसे मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ इसको साइड से पॉकेट लगाऊंगी और कहीं भी मैं ज़्यादा स्टिचिंग इसमें नहीं करूँगी क्योंकि ये प्लास्टिक का है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर अच्छे से सिलाई आने वाली है। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा एक अच्छा लुक देने के लिए मैं इसको साइड से पॉकेट लगाने का सोच रही हूँ। और ये देखिए हिमांत की यहाँ पर मस्ती चल रही है। मैंने इसलिए ना सिलाई मेरी बंद कर दी है, मैं कुछ सीती नहीं हूँ घर पर, क्योंकि हिमांत ना बीच में आ जाते हैं, मशीन में हाथ डालने लगते हैं या फिर कैंची वगैरह लेकर बैठ जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ ये सब काम। लेकिन ये वाला कवर सीना मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए मैं सीने बैठ गई हूँ और साथ ही हिमांत भी मेरी मदद कर रहे हैं। देखिए आपके बच्चे भी आपको इसी तरह से परेशान करते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी कटिंग हो गई है, चलिए मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। देखने से मुझे लग रहा था कि 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इसको स्टिच करने में पूरा 1 घंटा लगा है मुझे, क्योंकि बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई बैठ नहीं रही थी और जो धागा है वो सही से आ नहीं रहा था। मशीन की प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन जो फैब्रिक है उसकी वजह से सही से सिलाई नहीं आ रही थी और मशीन ने मुझे बहुत सताया है। जो नॉर्मल कपड़ा है उसके ऊपर मैं सिलाई डालकर देख रही थी तो अच्छे से सिलाई आ रही थी, और जब मैं इस पर डाल रही थी तो सही से सिलाई नहीं आ रही थी, बार बार उसको बहुत खींचना पड़ रहा था। तो पूरा 1 घंटा मुझे इसमें लग गया था और हिमांत भी मुझे सता रहे थे, मशीन में हाथ डाल रहे थे, कहीं कुछ खींच रहे थे तो कहीं कुछ खींच रहे थे, जिसकी वजह से मुझे 1 घंटा पूरा लगा है इसमें। मैंने सोचा था कि 10 मिनट में मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी, लेकिन जैसे तैसे इसकी सिलाई हो गई है। तो चलिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और मैं फ्रिज को साफ़ करके इसको फ्रिज के ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि जब ये अच्छे से सिल गया है तो अभी लगना भी ज़रूरी है। मैं जब कोई नई चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि कैसे लग रहा है, कैसे मैंने सिया है। अगर किसी ने तारीफ़ कर दिया ना तो फिर ख़त्म, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, साइड से मैंने पॉकेट बनाए हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहा है करीब से। और हिमांत यहाँ पर मुझे सौंफ मांग रहे हैं जो मैंने फ्रिज से उठाई थी अभी।
चलिए मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ कि कैसे लग रहा है। इसके पॉकेट वगैरह दूर से सही नहीं दिख रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो फ्रिज का कवर है वो आपको कैसे लगा। बहुत मेहनत की मैंने इसको स्टिच करने में। ये देखिए 3 पॉकेट्स मैंने बनाया है, एक मैंने बड़ा रखा है और बाजू के जो 2 हैं वो मैंने छोटे कर दिए हैं। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए किचन में, क्योंकि टाइम हो गया है दोपहर के खाने का। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटन स्ट्यू। इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ की प्याज को काट लिया है। जितनी हम ज़्यादा प्याज डालेंगे उतना टेस्ट अच्छा आता है, मुझे ऐसे लगता है। और मैं यहाँ पर अदरक लहसुन को थोड़ा सा मोटा मोटा कूट रही हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए कूट रही हूँ क्योंकि मुझे काट कर डालना अच्छा नहीं लगता, मुझे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है अदरक लहसुन का अगर हम इसको बारीक काट कर भी डालते हैं तो। सबका अपना अपना नज़रिया है और बनाने का तरीका है, तो मैं इसको मोटा मोटा पीस लिया है मैंने इसको। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अखे गरम मसाले, 2 तेज़पत्ते मैंने यहाँ पर लिए हैं और 4 से 5 लौंग, 2 इलायची और 7 से 8 अदद काली मिरी और 2 टुकड़े दालचीनी के। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, और प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। प्याज का जो कलर है वो पिंकिश होना चाहिए, तब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। मटन को मैंने पहले ही फ्रिज से निकाल कर रख लिया था। और हमने यहाँ पर डाल दिया है मटन, 500 ग्राम मैंने यहाँ पर मटन यूज़ किया है, 500 से भी ज़्यादा ही था, आई थिंक 600 ग्राम था। और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम यहाँ पर जो मटन है उसको अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, नमक अदरक लहसुन एंड प्याज के साथ। ये देखिए जो मटन का कलर है वो चेंज हो गया है। अब हम इसमें 4 अदद हरी मिर्च डाल देंगे और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा डाला है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पर बारीक काट कर डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसको हम कवर करके 1 सीटी आने देंगे। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 सीटी आने देंगे, तो हमारा जो मटन है वो अच्छे से गल जाएगा। तो चलिए कुकर का लिड लगा लेते हैं। और ये देखिए मटन हमारा अच्छे से गल गया है और इसमें बहुत सारा पानी है, ये पानी को हम सुखा लेंगे हाई फ्लेम पर। सारा पानी सूख जाना चाहिए और अच्छे से तरी आना चाहिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही 100 ग्राम और बारीक कटा हुआ कोथमीर हम इसमें ऐड कर देंगे और 2 हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसको कुक करेंगे जब तक कि सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता।
तो खाना मेरा बन गया है और अभी मैं बैठी हुई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है और व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको और ज़्यादा बढ़ाती हूँ तो। तो फिर चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप सबको इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी आप सबको मुबारक हो और मुझे भी मुबारक हो। तो मैंने जो आज फ्रिज का कवर सिया है ना, उसको सीने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर मेरी मशीन नहीं सताती तो। मशीन ने बहुत सताया है जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग गया, अदरवाइज़ वो तो सिर्फ 10 मिनट का काम था। तो मैंने सी लिया है उसको, पता नहीं कितने दिन चलने वाला है वो, क्योंकि वो जो कवर है वो प्लास्टिक का है तो मुझे लग रहा है वो स्टिच करने से हट रहा है, तो पता नहीं कितने दिन चलने वाला है। तो हिमांत और मेरा भाई सो रहे हैं, खाना उनका हो गया है लेकिन मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैंने खाना लेट खाया था, आपने देखा मैंने 12:15 के करीब खाना खाया था। तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं और थोड़ा लेट खाना खाऊँ, अभी 3 बज रहे हैं। जी अभी 3 बज रहे हैं, मैं 4 बजे के बाद खाना खाऊँगी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और एक बात मैं आपको बता दूँ, बिना नोज पीस के मैं दुपट्टे से मैंने स्कार्फ बांधा है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट नोज पीस में ही आपको व्लॉग दूँगी। चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।